पूरी वीडियो में सबसे घटिया चीज़ यही है। अभी ये भी जाने वाला है, ये भी जाने वाला है, टाइम ओवर हो गया इसका भी, सब सही हो जाएगा, सब एकदम बढ़िया अपीयरेंस, सब तगड़ा है एकदम जबरदस्त लेवल पे। तो भाई फरहान अख्तर मूड में नहीं है बनाने के, फरहान अख्तर मूड में नहीं है बनाने, मूड में ही नहीं है, मूड में नहीं है बनाने के लिए। मैं भाई एनालाइज करके एक चीज़ बताने वाला हूँ कि जो सच में इस प्रेजेंट टाइम के लिए सच में होनी बहुत ज़रूरी थी। पहले मैं भी बोलता था नहीं 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 भाई वो लोग सही कर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब चल रहा है, सारी जो बढ़िया बढ़िया फिल्म भी जैसे कि फैन ये सब भी फ्लॉप हो रही है, और बहुत बड़ी हाइप वाली फिल्म जैसे कि रईस वो भी अंडर परफॉर्मर जा रही है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी फिल्म मतलब देखा जाए तो हिंदुस्तान की टॉप 3 टॉप 4 हाइएस्ट मतलब सबसे मोस्ट पॉपुलर सीक्वल में भाई उस फिल्म को मतलब उस फिल्म को अनाउंस करना बहुत रिस्की एंड बहुत ही ज़्यादा सही नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा था उस टाइम पे। लेकिन अब सीन ऐसा है, मेरा तो कहना यही था कि तीनों फिल्म जब लाइन से धाँ 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 ब्लॉकबस्टर होगी, मैंने हमेशा से बोला था जैसे ये तीन फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी उसके बाद एक फिल्म अनाउंस होगी, वो फिल्म होगा थर्ड पार्ट किसी बड़ी फिल्म का सीक्वल। तो वही चीज़ को प्रायोरिटी में रखा जाए तो मैं ये ऐसा समझता हूँ कि या तो दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द मोमेंट टू अनाउंस दैट मॉन्स्टर। और ये मॉन्स्टर में छिछोरापंती नहीं चाहिए, छिछोरापंती मैं किस चीज़ को बोलना, इसको डालना उसको डालना। और भाई सही लॉजिक में बोला जाए तो अमित जी तो इस फिल्म में होंगे ही नहीं, वो मतलब मजाक बन जाएगा, वो कार्टून बन जाएगा। क्यों कार्टून बन जाएगा पता है, कोई सेंस कोई सर या कोई पैर ही नहीं रहेगा, मतलब ये तो वही हो गया, छोटा भीम में टुनटुन मौसी की जगह कालिया का रोल है, ये तो वही हो जाएगा, कोई मतलब कुछ सेट ही नहीं है। बिकॉज वो अपने वाले जो फिल्म के जो फिल्म का जो सीरीज था डॉन का, उसमें उनको डॉन को मर गया ही दिखाया, वो खत्म हो गया दिखाया। अब अगर उठाकर डालोगे तो ये तो वही मतलब टाइप ऑफ ए बॉलीवुड कल्चर टाइप ऑफ एक जो होती है ना मजाकिया फिल्म, सूर्यवंशी थी ना, मजाक चल रहा था उसमें, छाती में बॉम्ब लगा, 15 सेकंड बचे, तीनों खड़ा होकर मजाक कर रहे हो हमें, तो काइंड ऑफ मजाकिया मजाक फिल्म बन जाएगा, वो मजाक को छिछोरापंती नहीं चाहिए। बिकॉज दिस इज वर्ल्ड क्लास एक्शन फिल्म, इसमें सिर्फ एक्शन काम नहीं होगा, पठान में चलो एक्शन डालकर 1000 करोड़ कर दिया, इसमें नहीं होएगा, इसमें सिर्फ वो हवा में उड़ता वाला सब एक्शन नहीं डाल सकते इस फिल्म के अंदर, इस फिल्म के अंदर क्लास एक्शन चाहिए। इस फिल्म की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई इसकी स्टोरी, वो 2011 में जो फिल्म आई थी डॉन 2, भाई अपने टाइम की हेड ऑफ इट्स टाइम एक्शन फिल्म थी भाई, वो आज भी उसको लाकर खड़ा कर दो ना, बाजू में जितनी एक्शन फिल्म्स खड़ी है सबको उठाकर फेंक देगी, स्टोरी और उसका उस टाइम का क्लास एक्शन मतलब अनमैच्ड है। तो भाई सीन क्या है कि दिस इज द परफेक्ट टाइम टू अनाउंस द फिल्म डॉन 3, क्योंकि यहाँ पर भाई अब फिल्म का कंपटीशन, अब शाहरुख खान का कंपटीशन कोई रह नहीं गया, वो खुद ही का कंपटीशन बन गया। या तो इधर ऑल इंडिया के अंदर वो साउथ के, तो मैं बता रहा हूँ कि पोल खोलना है तो मैं बोलूँ तो एक स्टार आता है वो अपनी फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज करता है, पहली पार्ट हो जाती है 200 करोड़, दूसरी पार्ट हो जाती है 1000 करोड़, उसके बाद वो किधर जाता है किसी को नहीं पता, क्योंकि उसकी जो तीसरी फिल्म आती है जो कोई पार्ट वार्ट में नहीं है और वो भंगार के लेवल की फिल्म आती है, वो आती है ओपनिंग डे 70-80-100 करोड़ करती है, दूसरे दिन 2 करोड़ में आ जाती है। तो वो मोमेंटम मेंटेन करके अगर चलेगा, मतलब जवान और डंकी चलेगा, तो मैं ऐसा समझता हूँ हिंदुस्तान की पूरे इंडियन सिनेमा की का नंबर वन रैंक ले लेगा, सिर्फ बॉलीवुड का नंबर वन रैंक नहीं लेगा, पूरे इंडिया का नंबर वन रैंक ले लेगा। जो स्पीड से, जो अगर सारी फिल्म को वही मोमेंटम से चलाया जो मोमेंटम में पठान चला है, तो वो नंबर वन रैंक ले लेगा। उसके बाद सीन ऐसा हो जाएगा ना कि भाई नहीं चाहिए ये डॉन 3 फोन 3, तुम लेके जाके किसी भंगार वाले को बेचो, अपन नहीं करने वाला है फिल्म, ऐसा सीन हो जाएगा। तो आइदर मेक अ बेस्ट स्क्रिप्ट और आइदर बंद कर दो, 2 ही फिल्म अच्छी थी, अदर मेक अ बेस्ट स्क्रिप्ट और अनाउंस करो अभी, या तो फिर 3 फिल्म के बाद भी अनाउंस कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली स्क्रिप्ट जबरदस्त रही तो इतनी बड़ी फिल्म के साथ इतना बड़ा सुपरस्टार अटैच, उतनी हाइप, वो तो ओपनिंग डे के अंदर 150 करोड़ मार देगी ऑल ओवर इंडिया के अंदर, वो सिर्फ एक डायलॉग मारने से बस है, उसको नहीं चाहिए, उसको वो
पब्लिक को पता भी नहीं, शॉर्ट फिल्म है बोलकर भी अगर रिलीज करो तो भी 100 करोड़ मार देगी वो तो, वो सीन में अगर कनेक्टिविटी हो गए तो तीनों के बीच में। तो मैं ऐसा समझता हूँ अगर रिलीज मतलब अभी ये टाइम पे एक अनाउंसमेंट करो प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ दिखाओ, या तो फिर नहीं बनने वाली भाई वो फिल्म, नहीं बनने वाली। मैं बोलता हूँ भंगार की फिल्म सच्चा एक छिछोरा फिल्म, डॉन सीरीज को मैं छिछोरा में काउंट नहीं कर सकता। अगर वो छिछोरा टाइप फिल्म बनाना है तो भाई रहन दो, चाहिए ही नहीं, नहीं चाहिए, नहीं कतई नहीं चाहिए, अब तो कतई नहीं चाहिए। पहले बहुत मन था भाई देखने का थर्ड पार्ट में क्या होगा भाई, लास्ट एंड फाइनल पार्ट है क्या होगा क्या होगा, अब कतई नहीं चाहिए, ऐसा सीन हो गया। क्योंकि स्टैंडर्ड भाई बहुत ऊपर चला गया, स्टैंडर्ड ये हो गया है कि हर फिल्म अभी 500-500 करोड़ करते करते जाएगी। अगर मेरे को, मैं तो ऐसे ही, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है ये मोमेंटम पकड़ लिया भाई ने वो मोमेंटम, क्योंकि पठान सच में कुछ भी नहीं है जवान और डंकी के सामने। पठान अगर वो खेलने वाला खिलौना है तो जवान रियल में रोड में चलने वाला बस है और जवान आसमान में उड़ने वाला एयर बस है। तो मेरे को, मैं ऐसा समझता हूँ तो कुछ कंपैरिजन में तो कुछ नहीं है, वो बात की बात है, सिचुएशन क्या डिसाइड करेगा कितने कलेक्शंस होंगे। लेकिन फिल्म तो सच में पठान से 10 times मोर डेंजरस जवान है, 10 times वो सिचुएशन डिसाइड करेगा कितना कलेक्शंस करती है। लेकिन फिल्म तुम लोग देख कर आकर बताना कौन सी बेटर है। तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं नहीं समझ, मेरे को नहीं लगता कि मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन होगा कि हाँ भाई डॉन 3 अनाउंस करो क्योंकि मेरे को डॉन 3rd सीक्वल वो हाइप की ज़रूरत है और वो फिल्म रिलीज़ करना है। अभी वो नहीं चलेगा भाई, करना तो अभी करो और एल्स ये फिल्म नहीं बनेगी, ये फिल्म नहीं बनेगी, बेट लगा कर दे सकता हूँ ये फिल्म नहीं बनेगी। अगर ये नहीं हुआ, ये 3 फिल्म के बाद अगर ये फिल्म अनाउंस नहीं हुई, भूल जाओ भाई, वो 2 ही फिल्म थी और दो ही ठीक है और सही डिसीजन लिया, वो 2 ही, वो क्लासिकल है, बस उतने ही रहन दो। ये नहीं तो ये अभी छिछोरापंथी हो जाएगा, ये लोग सब अभी एक्टर बनना चाहते हैं, ये लोग एक्टिंग में उतर गए, इनका जो मोस्ट टैलेंटेड चीज़ था वो सब छोड़कर कुछ भी कर रहे हैं लोग, तो नॉट इंटरेस्टेड, तो ही विल ऑल्सो बी नॉट इंटरेस्टेड। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए, और नीचे मैंने एक लिंक डाला हुआ है सीरिया एंड टर्की के ऊपर जो हो रहा है वहाँ पे हंगामा मच रहा है, डिज़ास्टर जो हुआ है, तो उसके लिए लास्ट 5 वीडियोस मेरे जो, ये 2 वीडियोस के नहीं, पिछले के जो 5 वीडियोस के जो मेरे जो भी रेवेन्यू हुए वो मैंने तो दिया है। तो भाई लोग, तुम लोग भी अपने फैमिली हो, चैनल के फैमिली हो, सब्सक्राइबर्स हो सकता है तो 1 रुपया ही सही, क्योंकि कम से कम इसमें तो मेरे को लगता है 30,000 व्यूअर्स तो आएंगे, तो 1 रुपया ही सही, तो 1 रुपये से भी अगर कैलकुलेट करो तो 25 से 30 हज़ार तो जाएंगे ही जाएंगे उनको इस वीडियो के माध्यम से। मैंने नीचे लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर 1 रुपये डोनेट करो, कोई वैसा डोनेट करो भाई, हम हिंदुस्तानी है भाई, अपन लोग देखते नहीं है कौन किसको कौन क्या करता है कौन के, अपन सिर्फ इंसानियत को नंबर 1 रखते और करेंगे। मेरा मन हुआ मैंने बोल दिया, मैंने तो किया है और बहुत सारे फॉलोअर्स दोस्तों ने इंस्टाग्राम वालों ने भी किया है, तो एक बार यूट्यूब में बोलना चाहता हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और वो जेन्युइन लिंक है, किसी को भी अरे गरे किसी को भी मत करो, UNICEF उसको मैंने उसका लिंक उठा कर दिया है, जो UNICEF जो शाहरुख खान सर को अपना वो अवार्ड मिला था वो उसके मतलब जो प्रोडक्शन कंपनी है, मेन हेड कंपनी है उसी का है, तो उसको जाके करो, 1 रुपये से कर दो। मिलते अपने गिलोड़े साथ, तब तक लिए बाय।